रायगढ़ जिले में पुलिस ने सालार गांव में संजय अग्रवाल नामक व्यापारी के घर में गुड़ाखू के अवैध भंडारण जो किया हुआ तो वहां छापा मारा। पुलिस ने यहां से 9 क्विंटल गुड़ाखू, 4 ड्रम डीजल बरामद किया है। पुलिस ने संजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। आरोपी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का भाई बताया जाता है। कोरोना संक्रमण काल में गुड़ाखू की बिक्री पर रोक है, लेकिन इलाके में कई लोग चोरी छिपे महंगे दामों पर इसे बेच रहे हैं। 2 दिन पहले ही सारंगढ़ पुलिस ने खरसिया से आ रही एक स्कॉर्पियो से 90 किलो गुड़ाखू जब्त किया था। पकड़े गए आरोपी अमित कुमार साहू से कई अहम जानकारियां मिली हैं। इनपुट के आधार पर सलार में ये छापा मारा गया। 15 मार्च 2020 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संजय अग्रवाल निवासी सालार के यहाँ भारी मात्रा में अवैध रूप से जो है डीजल और गुड़ाखू अन्य जो है सामग्री जो भंडारण किया गया है। सूचना पर सारंगढ़ पुलिस के द्वारा रेड की कार्रवाई की गई तो वहाँ से लगभग 50 पेटी 9 क्विंटल तोता छाप गुड़ाखू और 850 लीटर डीजल को वहाँ से बरामद किया गया है।